आज मैं बना रही हूँ अंगूर की शाही सब्जी। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने इसमें प्याज, लहसुन और गरम मसाले का यूज़ नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको हमेशा की तरह मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इंदु भावसार। मेरी भोजनशाला में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम अंगूर लिया है, इसे धो करके रखा हुआ है। एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसे मैंने रफली चॉप करके रखा हुआ है। 2 चम्मच खसखस और 2 चम्मच तिल्ली, इसे मैंने 1 घंटे पहले पानी के अंदर भिगो करके रखा हुआ था। तो अब हम सबसे पहले तिल्ली और खसखस का पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी जार के अंदर हम टमाटर डाल करके इसका भी पेस्ट बना लेते हैं। अब हम गैस चालू करके कढ़ाई रखेंगे। इसके अंदर हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म होता है, इसके अंदर आधा चम्मच जीरा डालेंगे, एक हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। इसे कुछ देर इस तरह से चलाएंगे। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा छोटे चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची। तो ये मिर्ची मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना काश्मीरी लाल मिर्ची के भी सब्जी बना सकते हैं। अब हमने जो टमाटर का पेस्ट बना करके रखा हुआ है, इस पेस्ट को डाल करके मिक्स करेंगे। तो मिक्स करते हुए इसे हम तब तक के पका लेंगे जब तक के टमाटर से तेल अलग नहीं दिखने लगता है। ये देखिए, टमाटर हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर आधा छोटे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल करके इसे मिक्स कर देंगे। तो मैंने इस सब्ज़ी को बनाने में मसाले बहुत ही कम यूज़ किए हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी कम मसाले की ही टेस्टी लगती है। अब हम इसमें डालेंगे मावा। तो मैंने यहाँ पर 150 ग्राम मावा लिया है। मावे को क्रम्बल करते हुए डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे खसखस और तिल्ली का पेस्ट। अब हम इसे डाल करके तब तक के पकाएंगे जब तक कि मावा, खसखस, तिल्ली का कच्चापन दूर नहीं हो जाता है। तो इसे हमें इसी तरह से 1-2 मिनट तक चलाते रहना है। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच दही डाल देते हैं। दही डालने के बाद में इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे काजू। तो मैंने यहाँ पर 25 से 30 काजू लिए हैं, इसे डाल देंगे। अब हम इसमें अंगूर भी डाल देंगे और फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। 1 चम्मच चीनी डालेंगे। तो चीनी इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें और ना चाहे तो ना डालें, लेकिन ये सब्जी थोड़ी खट्टी और थोड़ी मीठी अच्छी लगती है। और अब हम इसमें आधा गिलास पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इस सब्जी को ढक करके 5 से 6 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने देंगे। सब्जी को बीच में हम एक आध बार चला देंगे ताकि सब्जी तले में लगे नहीं। तो ये देखिए, 5 मिनट उबल जाने के बाद में सब्जी हमारी बन करके तैयार है। ये देखिए, सब्जी का बहुत ही अच्छा कलर आया है और अंगूर और काजू पूरी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़े से हरे धनिए की पत्ती डाल देते हैं। तो अब ये सब्जी हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। गैस को बंद कर देते हैं। इस सब्जी को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, अंगूर की शाही सब्जी बनकर के तैयार है। फ्रेंड्स, आप एक बार इसे इस तरह से ज़रूर बना करके खाएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।